Hey guys, welcome back to my channel, Melipsa, और मैं आपको हेडलाइन देख के भी आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज क्लीन अप है और हम इनका क्लीन अप करेंगे, तो आप इसको फॉलो कीजिए। तो पहले हम इनका फेस नॉर्मल वाटर से पहले क्लीन करेंगे। नॉर्मल वाटर से स्पंज में थोड़ा वेट करके इनका मैं इनके फेस में बहुत सारे स्कार मार्क थोड़े थोड़े पिंपल्स हैं, तो मैं थोड़ा केयरफुली करूंगी। अभी क्लीन हो गया है। पहला स्टेप है क्लींजिंग। आप कुछ भी क्लींजर यूज कर सकते हैं, मैं इसका क्लींजर यूज कर रही हूँ। नॉर्मल क्लीनअप है, टू पंप इज एनफ। तो मैं पहले पूरे फेस में अप्लाई करूंगी, करके अभी थोड़ा थोड़ा पानी लेके हाथ में से इमल्सिफाई करके पूरे फेस और नेक में लगाऊंगी। और ऐसे सर्कुलर मोशन में मैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड फेस को पूरी तरह से क्लीन करूंगी। बहुत कम प्रेशर में हम लोग सर्कुलर मोशन बनाएं। ध्यान रखिए कि ज्यादा गर्म ना हो, और ये इनका ऑलरेडी पिंपल्स है, अगर ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म फील होगा, तो आपको ज्यादा पिंपल्स भी आ सकता है। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट लगाया आपका पिंपल्स आ गया उसके बाद, ऐसा नहीं होता। मेरा क्लीन हो गया है, क्लींजर एप्लीकेशन हो गया है। अभी मैं वेट स्पॉन्ज या आप डिस्पोजेबल वेट टिश्यू यूज कर सकते हैं, टॉवल भी यूज कर सकते हैं। अभी क्लीन करेंगे। क्लीन हो गया है और अभी हम स्क्रब यूज करेंगे। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट जब भी ओपन करेंगे, तो हम डायरेक्ट उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। हम लोग कुछ स्पैचुला, कुछ स्पून, कुछ भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पानी लग के आपका प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है। तो इतना क्वांटिटी इनके फेस के लिए ठीक है। इनका फेस जैसा है, इनका स्किन जैसा है, मैं इसमें ज्यादा रब नहीं करूंगी, क्योंकि ये ग्रैनुल्स बहुत बड़े हैं और इनके बहुत सारे स्कार मार्क, थोड़े थोड़े पिंपल्स हैं, तो मैं ज्यादा स्क्रब नहीं करूंगी। इसे सारे फेस नेक में इसे स्प्रेड करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं सर्कुलर मोशन में स्क्रब करूंगी। दे के बीच बीच में टू या थ्री फिंगर्स में हम उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हैं। अगर ड्राई रह जाएगा तो स्किन, इसका जो ग्रैनुल्स है बहुत मोटे मोटे हैं, तो क्या होता है ना, ज्यादा रब होने से स्किन जलता है फिर बाद में। बहुत लाइटली हम मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज
फिर एंटी क्लॉकवाइज। ना लगे और स्प्रेड करके देंगे, पर इनके स्टीम के लिए मैं 1 मिनट और उसी बीच में ज्यादा स्टीम नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे पिंपल्स है थोड़े थोड़े और स्कार मार्क्स है, इनके स्टीम बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ज्यादा स्टीम नहीं दूंगी मैं। ठीक है, ऐसे स्प्रेड कर करके स्टीम लगाएंगे। स्टीम लगाने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाता है, सो दैट हमारा जो वाइटेड्स ब्लैकेट्स है वो इजीली रिमूव होता है, इसलिए हम स्टीम देते हैं। हेल्प से हम ब्लैकेट वाइटेड जो है स्किन में वो हम रिमूव करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम लोग पहले स्पॉटलाइट यहाँ पे लगा दिए हैं, जो जो पॉइंट है पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। देखिए ये जगह कैसा है, जहां पे आप कॉन्फिडेंट ना हो आप उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, वो अच्छे से निकलता नहीं है और वहां पे ब्लड क्लट हो जाता है और आपका वो जगह पूरा डार्क हो जाता है। और जहां पे भी करेंगे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके पकड़ के करेंगे तो जो पेन होता है ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नोज बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत पेन करता है। इसे हाथ हम प्रेस करेंगे, अगर हाथ में कुछ लगा तो उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे नहीं लग रहा है, नहीं है ज्यादा, थोड़ा थोड़ा है ये एरिया में। ये जो एरिया है इसको बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ये थोड़ा सा एलर्जी टाइप का है, इसको हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़े से ब्लैकेट्स हैं, देखिए दिखा ब्लैकेट्स। ठीक है, करने से ही ये एक बार भी नहीं जाएगा, इसको बार बार क्लीन करना पड़ेगा जितना कम हो सके। ज्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, नॉर्मली जितना जाता है उतना ही रिमूव करेंगे। अगर एक बार में कोशिश करेंगे कि नहीं हम एक बार में सारा क्लीन कर देंगे तो नहीं होगा। ये जैसा है यहाँ पे मैं टच नहीं करूंगी, क्योंकि ये करूंगी तो थोड़ा ब्लीडिंग, जैसे बीच का थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है और साइड का थोड़ा डार्क दिख रहा है, ब्लीडिंग होगा और फिर से ब्लैक स्पॉट ही हो जाएगा। इसलिए ये टाइप का आप पूरा छोड़ दीजिए। चीन एरिया में थोड़ा सा है, आप रफली ऐसे कर सकते हैं।
एरिया हो गया, और यहाँ पे जैसा है यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका थोड़ा एलर्जी टाइप का हुआ है। और बहुत सारे बोल्स भी है यहाँ पे ना, छोटा छोटा बोल्स। अभी इनका फेस पूरा क्लीन हो गया है। बाद हम थोड़े से टोनर लगा सकते हैं, एस्ट्रीजेंट लगा सकते हैं, या रोज वाटर भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं एस्ट्रीजेंट यूज करूंगी, एस्ट्रीजेंट को भी टोनर बोलते हैं, एस्ट्रीजेंट को भी टोनर कहते हैं। आप एस्ट्रीजेंट यूज कर सकते हैं, टोनर यूज कर सकते हैं, और रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। सारे फेस में हम ऐसे स्प्रेड करते हैं। टोनर के बाद पैक। ऐसे अभी पैक लगाएंगे, तो पैक हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही लगाएंगे। पैक लगाने से क्या होता है, हमारा जो स्किन टाइट होता है और हमारा जो पोर्स ओपन हुआ है, मतलब उससे पोर्स क्लोज होता है, पैक लगा दिए हैं। और अभी हम 15 मिनट वेट करेंगे। अभी 15 मिनट हो गया है, अभी ड्राई भी हो गया है पैक, अभी हम इसको क्लीन करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐसे हाथ में लेके, हाथ वेट करके थोड़ा सा ऐसे टक टक करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मसाज करके, पानी लेके थोड़ा सा मसाज करके हम रिमूव करेंगे पैक। जेल लगाऊंगी उनके स्किन के लिए, एलोवेरा जेल अच्छा रहेगा, इसलिए मैं एलोवेरा जेल नहीं लगाना है मॉइस्चराइजर के बदले। हो गया, तो अभी क्लीन अप कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो, बाय।